अशोक का पेड़ है और फिर देखो बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो फूल देवी शुरू हो रही है तो इसलिए हमने फूल डाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, और मैं हूँ अनीता बग्या। स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि की इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी यहाँ पे धूप नहीं आई हमारे छत पे, नीचे तो आ चुकी है लेकिन यहाँ नहीं आई। और मैं जा रही हूँ आज जंगल की ओर। गुड मॉर्निंग, हंस के गुड मॉर्निंग में आराध्य बोल रही है। हंस के गुड मॉर्निंग में आराध्य बाय बाय करवा, बाय करवा तो दीदा बोल मम्मा बाय। एक में तब वा तब एक में वा, देखो कैसे हंस रही है। चलो दोस्तों चलती हूँ मैं भी अब जंगल। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूं मैं जंगल की ओर, आपको दिखाऊंगी मैं जंगल का नजरिया। तो देखिए जंगल का नजरिया है और ये पेड़, बहुत सारे चीड़ के पेड़ है और यहाँ उस ज़्यादातर चीड़ के पेड़ और बाज के पेड़ होते हैं। यहाँ पर तो चीड़ के पेड़ है लेकिन इससे पीछे वो दिखाई दे रहे हैं वो बाज के पेड़ हैं। देखिए और ये बुरांस का पेड़ है, कितने अच्छे अच्छे बुरांस है, हमारी गढ़वाली में इसे बुरां कहते हैं। और हमारी गढ़वाली में अभी धाथेड़ा पलना रहे हैं। तो ये पत्थर है, इसके नीचे जंगली जानवर रहते हैं, अभी नीचे से नहीं दिखा पाई मैं आपको। तो आ चुके हैं हम आधा रास्ते में और ये लकड़ियाँ वाले हैं सब। तो हम चलते हैं पानी पीने, मेरी ननंद तो जा रखी है, अब मैं भी जाती हूँ पानी पीने। ठंडा ठंडा पानी, पहाड़ का पानी कितना अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा देखो। आहा कितना मज़ा आ गया। तो दोस्तों आ चुके हैं हम घर और अब हमने तो खाना पीना भी खा लिया है और इसके बाद आपको तो दिखाया है मैंने जंगल में बुरांस का पेड़ और उसे हमने बुरांस निकाले। और हम अब इस खेत से धनियाँ लहसुन एंड मटर के पत्ते निकालेंगे और उससे बनाएंगे अथानी। चलो दोस्तों लग जाते हैं काम पे, अब फटाफट तो निकालते हैं लहसुन और धनिया पूरी। तो गाइस हम बनाएंगे इससे अथानी और धनिया तो नहीं है, यहाँ पे कमी है। इतना ले लिया हमने, ये धनिया है और ये लहसुन के पत्ते, दो चार राई के पत्ते। चलो अब बनाते हैं। तो बनाएंगे हम अथानी और ये है इसमें धनिया एंड मटर एंड लहसुन और ये है बुरांस। वैसे तो बहुत सारे बुरांस है लेकिन आपको दिखाने के लिए। दोस्तों लगते हैं अब काम पर, अब बनाते हैं अथानी। तो ये ब्रांस का फूल है और हेलो इसको निकालना है इससे अंदर से और उसके बाद बनाएंगे अच्छी सी अथानी। इसे फेंकना है, कहते हैं थे हम कि बचपन में कहते थे हमें इसे कि ये बाज है इसे नहीं खाते हैं।
तो इसे हम खींचेंगे, करेंगे हम इसकी कटिंग। दोस्तों धनिया तो ज़्यादा नहीं था खेत में और लहसुन भी इसलिए कम ही है, तो इस पर बुरा सी ज़्यादा दिख रहे हैं। देखें अब थोड़ा नमक मिलाएंगे और उसके बाद खाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ देखो कितनी गंदा की हो चुकी है, उसके बाद इसे साफ करेंगे, नमक मिलाएंगे। तो इसे हाथी से मिलाएं क्योंकि चम्मच से मिलती नहीं है, मिलता नहीं है, सॉरी। अब ये हो चुका है एकदम रेडी, अभी खाएंगे। चलो नीचे हम भी देखते हैं चेक के कैसा हो रहा है। वैसे अच्छे हो रहे थे लेकिन बुरा थोड़ी खट्टे हो रहे हैं। चल आटा छान ले, आटा धनिया और लहसुन के पत्ते, मटर के पत्ते कम है इसलिए बुरा सी बुरा ज्यादा है तो खट्टे हो रहे हैं। चलो खाओ जल्दी, मैं नहीं खाऊंगी ज्यादा क्योंकि बुखार आ जाएगा बच्ची को, इसलिए ज्यादा नहीं खाऊंगी, बस टेस्ट किया थोड़ी बस। चलो अब निकलो, जा पर है दिखा ये ले झाड़ माने ना। और दोस्तों ये देखो कितनी गंदगी हो चुकी है यहाँ पे, अब थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी। चल लगा चुकी हूँ मैं एकदम झाड़ू, अब क्या करूँगी मैं, अब कुछ नहीं करूँगी, अब बस सोती हूँ थोड़े सा। आजकल धूप बहुत तेज है तो थोड़ी सो जाती हूँ। कल तो बहुत गर्मी का सीजन आ चुका है, बहुत गर्मी हो रही है और बहुत तेज धूप हो रही है आजकल, तो आजकल सब 12-1 बजे सो जाते हैं दिन की, तो अभी सब सोए हैं और हम भी सो जाते हैं अब, क्योंकि अब अभी हम जंगल से आए, खाना पीना खाए तो इसलिए नहीं सो पाए हैं, लेकिन अब हम भी सो जाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और अभी उतनी धूप है, काफ़ी धूप है आजकल, तो 5:30 बजे तक धूप रहती है। तो चलो दोस्तों मैं बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग को। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूल।